सब्सक्राइब कीजिए अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्जु एजुकेशन लाइव पर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, हम आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी लाते हैं। अज्जु सर का प्यार मिला और इसी की बदौलत आप सभी के सामने हाजिर हैं आपके इस मन पसंदीदा चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर के एमसी क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली अंगुली यानी जो मध्यम फिंगर होती है दोस्तों, ठीक है, मिडिल फिंगर, तो दर्शाती है किसको दर्शाती है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ए बल की दिशा को दर्शाती है दोस्तों, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या विद्युत धारा की दिशा को, या उपयुक्त सभी को। जल्दी से जल्दी सभी आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों जो अपनी लेफ्ट हैंड रूल आप पहले ये देख लीजिए दोस्तों, बाएं हस्त नियम जो कि मोटर में यूज होता है, बिल्कुल सही है, उसमें मध्यम उंगली यानी जो अपनी सेकंड उंगली होती है ना दोस्तों, फर्स्ट फिंगर के बाद जो सेकंड फिंगर होती है उस वो क्या दर्शाती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाइयों वो होगा सी, विद्युत धारा की दिशा को। बिल्कुल दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को, बिल्कुल। अगर ये राइट हैंड होता तो ये होती दोस्तों ईएमएफ की दिशा को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। देखिए दोस्तों डीसी मोटर में आपको बताना है कौन सा उसका पार्ट घूमता है। क्या दोस्तों उसकी बॉडी घूमती है, या मेरे भाइयों फील्ड पोल घूम जाते हैं, आर्मेचर घूमता है, या उपयुक्त सभी, या सारे के सारे पार्ट्स उसके घूमते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में इसका। बहुत अच्छे। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल आपको पता ही होगा, बिल्कुल इजी है, आर्मेचर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों डीसी मोटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो घूमने वाला होता है दोस्तों, ठीक है, एक तो होता है दोस्तों घूमने वाला पार्ट, और एक होता है दोस्तों स्थिर रहने वाला। दोनों के अच्छे से नाम पता होने चाहिए। घूमने वाला होगा दोस्तों आर्मेचर, और स्थिर रहने वाला होगा दोस्तों फील्ड, ठीक है दोस्तों। हाँ फील्ड होगा, तो इसका होगा जो दोस्तों क्या हो जाएगा, फील्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं दोस्तों क्या है। डीसी मोटर में, डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में कौन सी वाइंडिंग है दोस्तों, लैप में समानांतर पथों की संख्या होती है। आपको पता होगा दोस्तों वाइंडिंग दो प्रकार की होती है डीसी मोटर के अंदर, एक लैप होती है और एक बैव होती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, लैप आगे क्या रहा दोस्तों इसमें पी, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों पोल की संख्या के बराबर होती है, या दोस्तों हमेशा दो बनी रहते हैं, या चार होते हैं, या दोस्तों आठ होते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा। देखिए तो दोस्तों इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो लैप को मैं बता रहा हूं एल ए पी, जो इसका जो मीनिंग है उससे आप याद कर सकते हो, एल ए पी लास्ट में पी आता है, और एक होता है दोस्तों बैव, ठीक है, तो उसमें बी आता है, ठीक है, उसमें बी आता है, इसमें पी आता है, तो आपको ध्यान रखना है पी से पोल्स बन जाता है, आपको पता होगा दोस्तों, और बी से बराबर, तो पी से पोल्स को याद करना है और पोल्स के बराबर इसको हमको देना है। बैव में कितना होता है दोस्तों आपको पता होगा, परमानेंट 2 होता है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डीसी मोटर का दिक परिवर्तन यानी कम्यूटेटर बना होता है। देखिए दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसमें दिक परिवर्तन यानी जो कम्यूटर होता है ना, छोटा सा आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, वो किसका बना होता है। क्या दोस्तों ए ऑप्शन तांबे का बना होता है, या बी अभ्रक का बना होता है, या सी बेकलाइट का बना होता है, या दोस्तों डी कास्ट आयरन का। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है, बिल्कुल हमने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, हाइड्रोन कॉपर यानी कठोर कर्षित तांबा। अब कठोर कर्षित यहां ऑप्शन में नहीं है, तांबा ऑप्शन में है, तो मेरे भाइयों राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। और अभ्रक इसके बीच में जो स्पेस होता है, सेगमेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर भरा होता है, बिल्कुल। बेकलाइट का क्या बना होता है दोस्तों, एक प्लेट होती है जिसपे कार्बन ब्रूस हम लगाते हैं, होल्डर जो कसते हैं, और कास्ट आयरन की इसकी बॉडी बनी होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा तांबे का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। बैक ईएमएफ कौन सा दोस्तों, बैक ईएमएफ रिक्त स्थान यानी खाली स्थान छोड़ गया बी होता है, तो इसका मतलब आपको इसके अदर नेम भी बताने हैं। क्या दोस्तों बैक ईएमएफ को बैक ईएमएफ कह सकते हैं, ये इंग्लिश में लिख दिया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो यहां पर दोस्तों क्या है, विरोधी ईएमएफ है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देख लेना,
विरोधी ईएमएफ लिखा हुआ है। यहां पर हो गया दोस्तों काउंटर ईएमएफ या उपयुक्त सभी। चलिए तो जल्दी से सभी इसके आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। तो देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो बैक ईएमएफ देखिए ये तो इंग्लिश में हो गया तो आप समझ गए होंगे, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। इधर विरोधी था तो इधर काउंटर आ गया, तो ये भी हिंदी इंग्लिश का हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार, आप सभी का आंसर सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं दोस्तों? बैक ईएमएफ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोटर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा इसमें घूमने का चांस रहता है। चलिए तो ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा, या बी ऑप्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा, या कर्क स्क्रू नियम, या दोस्तों श्रे का नियम। चलिए जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई आंसर देंगे। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ यहां पर किसको ज्ञात करवाना है दोस्तों? ईएमएफ को ज्ञात करना है, ईएमएफ की दिशा को देखना है। और हमें पता है एक लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, एक राइट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर और राइट हैंड रूल के अंदर थंब का सेम वर्क होता है, फर्स्ट फिंगर का भी सेम वर्क होता है। थंब क्या करता है दोस्तों? चालक की दिशा को दिखाता है ना, मोशन की। सेकंड फिंगर क्या दिखाती है? फ्लक्स को। लेकिन थर्ड फिंगर चेंज करती है। अगर बायां हाथ नियम है तो दोस्तों करंट को बताएगी। किसको दोस्तों? करंट को बताएगी। और अगर दायां हाथ नियम है, दायां हाथ यानी सीधे हाथ का, तो दिखाएगी दोस्तों ईएमएफ को। तो आपको बैक ईएमएफ निकालना है, बैक ईएमएफ ईएमएफ सेम तरीके से निकाला जाएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। कई भाई इसके अंदर ए दे सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से देख लेना, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से खालिस्तान होता है। देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा जो हम आरोपित यानी जो उसके ऊपर दोस्तों जो वोल्टेज लगाया जाता है ना मोटर के ऊपर, उससे कैसा रहता है? क्या कम रहता है हमेशा, या अधिक रहता है, या बराबर रहेगा, या समानुपाती रहेगा? ठीक है दोस्तों, तो सी और डी में तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि दोनों ऑप्शंस का एक ही मीन्स हो गया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 7 का। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ का मान, अब आपने अभी आपको पता है कि जो आरोपित वोल्टेज होता है यानी मेन वोल्टेज होता है उसी की वजह से जनरेट होता है दोस्तों बैक ईएमएफ। तो ध्यान रखना आरोपित वोल्टेज हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों? ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इससे कुछ कम हो, चाहे कुछ ही कम हो, लेकिन हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? कम रहने वाला है बैक ईएमएफ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी की वजह से तो जनरेट हो रहा है। लेंज का जो नियम है वो इसमें पूरा पूरा फॉलो हो रहा है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाइयों ए, कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों ये जो डीसी की चारों ही मोटर हैं, तो इसमें से स्थिर गति जो परमानेंट हमेशा एक ही स्पीड पर घूमती है वो कौन सी मोटर बतानी है आपको? डीसी की सीरीज मोटर होगी, या डीसी की संट मोटर होगी, या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी, या डीसी की डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इजी क्वेश्चन है, सभी अच्छे से दे पाएंगे। बहुत अच्छे। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, बी, यानी कि दोस्तों डीसी की संट मोटर। आपको पता है दोस्तों हमेशा इसमें फ्लक्स जनरेशन नियत रहता है, इस वजह से इसकी स्पीड कैसी रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। यानी इसका फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है दोस्तों? नियत बनी रहती है, फ्लक्स हमेशा बिल्कुल नियत रहेगा। इसकी वजह से इसकी क्या दोस्तों, आपको पता होगा स्पीड भी हमेशा नियत रहेगी। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, एक इसको अच्छे से याद रखना, फाई जेड एन पी। अब इसके अंदर पोल्स तो आप चेंज नहीं कर सकते ना मोटर में, और ना ही चालकों की संख्या। भाई एक बार मोटर बन गई तो ये दोनों चीज चेंज करना इम्पॉसिबल सा है। अगर इसका फ्लक्स जनरेटर फिक्स रह गया तो गणन गति कैसी रहेगी दोस्तों? नियत रहेगी। तो इस फॉर्मूले से आप इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग, देखिए दोस्तों आर्मेचर है और एक फील्ड की वाइंडिंग, यानी आर्मेचर की वाइंडिंग भी और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो दोनों के रेजिस्टेंस से मिला के दोस्तों कौन सा लॉसेज होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ए ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉसेज, बी आयरन लॉसेज यानी लोह क्षति, और डी दोस्तों यांत्रिक क्षति, ठीक है दोस्तों, या डी इसमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों आर्मेचर और फील्ड की वाइंडिंग से कौन सा हमें क्षति ज्यादा होती है? चलिए बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है जो भी मेरे भाई ए दे रहे हैं, ताम्र क्षति। बहुत अच्छा दोस्तों, कॉपर लॉसेज, क्योंकि वाइंडिंग है और वाइंडिंग किसकी की जाती है दोस्तों? तांबे के तार की, ना तांबे के तार की जाती है। अब तांबे का वायर यूज करेंगे, तांबे को हम ताम्र बोलते ही हैं, बिल्कुल। तो जो भी कॉपर लॉसेज होगा दोस्तों वो कहां होगा? वाइंडिंग्स के अंदर, और आर्मेचर और फील्ड के अंदर दोनों के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? कॉपर के तार की। इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10।
लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वापस सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लोड परिवर्तन का, यानी आपका लोड बार बार चेंज हो रहा है, का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ता है, यानी कौन सी क्षति जो लोड चाहे कम हो चाहे ज्यादा उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्या ए ताम्र क्षति, या बी भंवर धारा क्षति, या सी हिस्टेरेसिस क्षति, या डी बी और सी दोनों। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा हो गया, बी और सी दोनों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों, तो लोड परिवर्तन हो रहा है, लोड बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी कौन सी आयरन लॉसेज कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आयरन लॉसेज यानी लोह क्षति। ठीक है दोस्तों, आपकी लोह क्षति भी दोस्तों क्या है, कभी भी चेंज नहीं होती, ये परमानेंट होती है। अब लोह क्षति के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, कौन कौन सी, बी यानी भंवर क्षति, भंवर क्षति भी इसका लॉस है, और एक हिस्टेरेसिस क्षति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, बी और सी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, लोह क्षति फिक्स होती है और उसके दोनों पार्ट होते हैं, हिस्टेरेसिस क्षति और भंवर धारा क्षति। एडी करंट होते हैं भंवर धारा को, और हिस्टेरेसिस को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो जो विद्युत मोटर होती है ना दोस्तों, अपनी किस चीज को किस में चेंज करती है, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करेगी, ये आपको बताना है। क्या दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है हमारी मोटर, ये हर मोटर के लिए है, ना कि डीसी मोटर के लिए पर्पज। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन बड़ी सिंपल सा है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस मैच नहीं होंगे ना, तो इजीली ऑप्शन इसमें से आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छा, जो भी मेरे भाई बी दे रहे हैं बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षति सॉरी विद्युत ऊर्जा, आप देखिए मैं बताता हूं आपको कि देखिए विद्युत ऊर्जा आप क्या है दोस्तों, क्या देते हैं हम, चाहे एसी की मोटर हो चाहे डीसी की, उसको सप्लाई देती है, यानी विद्युत ऊर्जा हमको देनी ही देनी है, और वो घूमती है, उससे हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, घूर्णन की दिशा, देखिए सिंपल सुन लीजिए, घूमने की दिशा डीसी मशीन में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कौन सा नियम होगा दोस्तों, दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का, या फिर ओम के नियम, या फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम, या कर्क स्क्रू नियम। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे, देखिए दोस्तों, घूर्णन की दिशा और डीसी मोटर की बात होती है, घूर्णन की दिशा हो गई और डीसी मोटर की बात होगी, तो बाएं हाथ नियम इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर ये डीसी मोटर की जगह डीसी जनरेटर पूछता तो आपका आंसर हो जाता दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर, 13वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी, क्योंकि ये हम बेसिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसके अंदर। निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता है, तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौलिक आवश्यकता है वो बताएंगे। ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र ए, बी में देखा है आर्मेचर, सी में दोस्तों कम्यूटेटर एवं ब्रश, और उपयुक्त सभी डी के अंदर दिया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, मौलिक आवश्यकताओं का मतलब कि भैया जिसके बिगड़ता आपकी मोटर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छे, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, आर्मेचर भी चाहिए, क्योंकि आपको आर्मेचर नहीं होगा तो आपके उसको आपके बैक ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, कम्यूटेटर और ब्रश नहीं होंगी तो दोस्तों आप उसको सप्लाई नहीं दे पाएंगे मोटर को डीसी सप्लाई। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसके लिए राइट होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा अगर प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। देखिए एक तो स्वोत्तेजित होते हैं यानी सेल्फ जनरेट सेल्फ एक्साइट होते हैं, और एक होते हैं दोस्तों पृथक से उत्तेजित। ठीक है, तो ये है अलग से इसको सप्लाई दी जाएगी जब इसको एक्साइट किया जाएगा। तो डीसी मशीन है जो पृथक से उत्तेजित की जाए, अगर उसके सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दो तो दोस्तों उसमें क्या आप बदलाव मिलेगा, आप बताइए। ए मोटर डीसी जनरेटर की भांति वर्क करने लग जाएगी, बी में दे रखा है दोस्तों मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, और सी में दे रखा है दोस्तों मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, या मोटर स्टॉप स्टॉप होके बार बार रुक रुक कर चलने वाली है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, 14 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा, देखिए शानदार, जो भी मेरा भाई बी दे रहा है बहुत ही जबरदस्त। देखिए दोस्तों, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, यानी आप चाहे सेल्फ एक्साइटेड हो या पृथक से उत्तेजित हो, ठीक है, दोनों में से कैसे भी हो, उसमें अगर आपकी उसकी डायरेक्शन मतलब सप्लाई की डायरेक्शन टर्मिनल चेंज कर दोगे तो उसकी क्या है घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा शानदार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरोपित विद्युत वाहक बल यानी आप जो उसके टर्मिनल से विद्युत वाहक बल दे रहे हो, और एक होता है दोस्तों प्रेरित यानी उसके आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं ना, वो एक दूसरे का किस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, एक दूसरे की क्या हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे एक दूसरे की, या एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं, या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, या मेरे भाइयों आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होगा, होता है। चलिए तो जल्दी से जल्दी आंसर दें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। चलिए शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए जो भी मेरे भाई बोल रहा है, बी विरोधी विरोध करेगी, विरोध प्रकार के होंगे, यानी आपने देखा होगा दोस्तों इसको हम कह सकते हैं मेन वोल्टेज, और जो प्रेरित वोल्टेज होता है दोस्तों उसको हम कह सकते हैं बैक ईएमएफ। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, ये होगा हमारा वी वोल्टेज और ये बी होगा जो बैक ईएमएफ होगा। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं दोस्तों, लॉस माइनस करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। फलस्वरूप इसके फाइनली हमें वोल्टेज मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि उसी चीज को फॉलो करेगा जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे पढ़ा है। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है, कौन से फॉर्मूले से ज्ञात होगी, जल्दी से बताएं दोस्तों। फॉर्मूला ए है, आई ए यानी आर्मेचर में करंट इक्वल हो गया दोस्तों वी माइनस ई वी अपॉन आर ए, या दोस्तों आई ए बराबर बी प्लस ई वी अपॉन आर ए प्लस आर, या फिर दोस्तों सी में आई ए इक्वल बी अपॉन आर ए माइनस ई बी, या दोस्तों फाइनली आई ए इक्वल ई बी बटे यानी अपॉन में है आर ए। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों, यहां पर मैं देखिए टर्म्स बता देता हूं आपको। आई ए का मतलब समझ गया आर्मेचर का करंट, आर ए का मतलब आर्मेचर में रेजिस्टेंस, और ई बी का मतलब बैक ईएमएफ, और बी का मतलब हो गया दोस्तों वोल्टेज, मेन वोल्टेज। चलिए तो सारी टर्म्स यही है अपने पास, इसके अलावा कोई टर्म्स नहीं है, बहुत अच्छे शानदार। देखिए आप सभी के आंसर में देख पा रहा हूं दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अभी आपको पता लग गया कि मेन वोल्टेज में से दोस्तों बैक ईएमएफ कटता है, उसके फाइनल बचने वाला वोल्टेज किसको मिलता है, आर्मेचर के पास रहता है। तो फाइनली हमारे पास जो वोल्टेज बचने वाला है वो माइनस होगा दोस्तों मेन वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, इक्वल में आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो आर्मेचर की करंट हम निकाल लेंगे। आपको यही है ना, आई बराबर ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, आई बराबर बी बटे आर, यही फॉर्मूला होता है। अब बी कैसे निकालना है, मेन वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ वोल्टेज, तो फाइनल वोल्टेज हमारे पास ये बच जाएगा, रेजिस्टेंस आर का आई रहा है और आई निकल ही रही है, तो ये फॉर्मूला इसका राइट हो जाएगा। तो ए बिल्कुल सही है दोस्तों, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। डीसी मोटरों की बनावट कैसी होती है दोस्तों, ये तो बड़ा ही सिंपल सा सभी आंसर दे पाएंगे। क्या दोस्तों डीसी जनरेटर के समान होती है, या डीसी जनरेटर से कोई तुलना नहीं होगी, या दोस्तों डीसी जनरेटर के समान होगी केवल फ्रेम बनावट भिन्न होता है, या संरचना एवं फ्रेम संरचना समान होती है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है जो सी दे रहे हैं कि डीसी जनरेटर के समान होती है, लेकिन फ्रेम में थोड़ी सी बनावट में अलग होती है। फ्रेम में क्या बनावट अलग होती है, देखिए जनरेटर होता है ना, ठीक है, जनरेटर और मोटर में इतना सा अंतर है फ्रेम के अंदर कि जनरेटर के अंदर दोस्तों एक फैन लगा होता है, एंड कवर की साइड में फैन लगा रहता है, और फैन के साथ साथ मोटर में जो ऊपर की बॉडी होती है उस पर डक्ट होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उस पर काफी जगह छोड़ी जाती है, जबकि मोटर में ये डक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी सी बनावट आप मोटर को देख के पहचान जाएंगे, बड़े बड़े डक्ट हैं तो इसका मतलब ये जनरेटर है, बाकी एज इट इज बनावट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किस तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ, आपको बताना दोस्तों। आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, या फिर दोस्तों प्रति ध्रुव फ्लक्स, या डी उपरोक्त तीनों, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी इसका सही है दोस्तों, बहुत ही शानदार। अब डी क्यों है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, बैक ईएमएफ इक्वल क्या होता है दोस्तों, फाई जेड एन और पी अपॉन 60 ए होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है ना, तो किस किस पे निर्भर है, समानांतर पथ, बिल्कुल सही है भैया, ए समांतर पथ, ए ऑप्शन आ गया। मोटर की गति बिल्कुल सही है, एन यानी घूर्णन गति, फ्लक्स यानी दोस्तों फाई, तो सभी पे निर्भर कर रहा है बिल्कुल, इसके साथ साथ पोल्स के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, चालकों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, तो इन सभी चीजों पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज होता है दोस्तों, कैसा होता है दोस्तों, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, या प्रयुक्त वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं डालता,
या प्रयुक्त वोल्टेज के पक्ष में कार्य करता है यानी उसके साथ मिलकर काम करता है, या दोस्तों प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होता है, उससे इसका कोई भी मिलाव नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन था। बहुत अच्छा, शानदार। देखिए दोस्तों, जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बिल्कुल कि प्रयुक्त यानी मैन वोल्टेज का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है, तभी तो फाइनली जनरेशन हमारे पास होती है। प्रेरित वोल्टेज को हम कह सकते हैं इसके अंदर बैक ईएमएफ को, क्योंकि जो बैक ईएमएफ उसके अंदर जनरेट होता है प्रेरित प्रेरणा के कारण, और किसकी वजह से, मेन वोल्टेज की वजह से। तो ये एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चलिए आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फाइनल नंबर का क्वेश्चन 20। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? ऐसा क्या रीजन है दोस्तों जो कि मोटर स्टार्टिंग जब होती है मोटर की तो करंट ज्यादा लेती है? क्या दोस्तों बैक ईएमएफ ज्यादा होता है मेन वोल्टेज से, या बैक ईएमएफ बराबर होता है जीरो के, या बैक ईएमएफ छोटा होता है मेन वोल्टेज से, या बैक ईएमएफ बराबर होता है मेन वोल्टेज के? ठीक है, ईवी का मतलब आप समझ गए बैक ईएमएफ, और बी का मतलब वोल्टेज। चलिए आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, देखिए जबरदस्त, सभी का भाइयों का सही है यहां पर, बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी बैक ईएमएफ दोस्तों कैसा रहेगा स्टार्टिंग में, जीरो। अब जीरो क्यों रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है ना वो दोस्तों वो होता ही नहीं, क्योंकि रोटेशन नहीं रहता, आर्मेचर के अंदर घूर्णन गति नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई वो बिल्कुल फिक्स अपनी स्थिति में जमा रहता है, इस वजह से उसमें रोटेशन नहीं होता, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।